अरब क्रिकेट में एक बड़ा एक तूफान आया। पहले न्यूजीलैंड ने से अपना बेहंगम तरीके से टूर लास्ट मिनट पे कैंसिल किया, फिर एज एक्सपेक्टेड इंग्लैंड ने किया, और अब बात हो रही है कि जी आइंदा क्या होगा। बड़ी बातें हो गई हैं। रमीज राजा चेयरमैन है क्रिकेट बोर्ड के, रिसेंटली अपॉइंटेड, उन्होंने बड़ी सख्त लाइन ली है। उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल ये बिग थ्री वाली जो गेम है, हम शायद एशिया ब्लॉक बनाएंगे, वो बात करेंगे, और डैमेजेस की बात हो रही है। हमारी जो हिट लिस्ट है जिसमें पहले भारत दुश्मन होता था, लगता अब उसमें यूके और न्यूजीलैंड भी ज्वाइन हो गए। बड़ी इशू चल रहा था कि इंग्लैंड ने क्यों किया है। दो तीन चीज़ें सिंपल रिसर्च से हमारे सामने नजर आती हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्योंकि जब आज स्टेटमेंट चल रही थी बोरिस जॉनसन की, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की, वहाँ से पता लगा कि इवन जो बरतानवी वज़ीर आज़म का ऑफिस था वो भी कैंसिलेशन के ख़िलाफ़ था कि टीम को मैच खेलने चाहिए। उनके फॉरेन ऑफिस ने कोई ट्रैवल एडवाइस चेंज नहीं की। बरतानिया का हाई कमीशन इन पाकिस्तान, उसके एम्बेसडर ने, हाई कमीशनर ने आके कहा कि बिल्कुल हमने एडवाइस नहीं किया था, बल्कि वो बड़ा बैकफुट पे थे। जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड है उनकी अपनी जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं ESI रिस्क, उन्होंने भी अपनी एडवाइजरी चेंज नहीं की। और जब जब इंटरव्यूज आए हैं तो नज़र आ गया कि सिंपली प्लेयर्स की पावर थी बहुत ज़्यादा। वो क्या थी, जब रिसर्च देखते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान में उनके मैचेस थे 13 और 14 अक्टूबर को, 2 वनडेज थे, और यही IPL जो नॉकआउट स्टेज है, जो IPL के संग मैचेस चल रहे इंडियन प्रीमियर लीग के दुबई में, वो अक्टूबर 10 से 15 में है। और जब हम टीम देखते हैं तो जो इनके टॉप 8 प्लेयर्स हैं जो 100% IPL के अंदर खेल रहे होंगे या खेलते रहे हैं, तो नज़र आता है कि IPL की गेम के लिए ये प्लेयर्स की ग्लोबी ने काम किया सब कुछ। और ये वन ऑफ थिंग्स, अगर टूर देखें नाजरीन, तो सिर्फ 4 दिन का टूर था, 1 दिन क्वारंटीन थी, अगले 2 दिन इन्होंने मैच खेलने थे और फिर फारग वापस चले जाना था। और लेकिन इशू ये है कि जब दुबई वापस जाते तो वहाँ पर तकरीबन 5-6 दिन का पीरियड बनता है क्वारंटीन का, तो ये लोग जाके नॉकआउट स्टेजेस नहीं खेल सकते। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये क्यों हुआ है। और अगर IPL जिम्मेदार है, बेसिकली अब नज़र ये आ रहा है कि ICC ख़त्म हो गई है, बाकी बोर्ड जितने कमज़ोर हो गए हैं। जो जो इंडिया का बोर्ड है बहुत स्ट्रांग है। अभी प्रोग्राम से कुछ देर पहले नुमान बता रहे थे कि जो ICC के वर्ल्ड राइट्स थे, क्रिकेटिंग राइट्स, ब्रॉडकास्ट राइट्स 2015 से 2023 के, वो बिके $2.2 बिलियन के। BCCI इंडिया वाले जो क्रिकेट बोर्ड है इनका, उसके 2018 से 2023 के बिके $1.1 बिलियन के, यानी कि आप समझ लें करीबन $80 लाख पर मैच के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। जो IPL ब्रांड की इस वक्त वैल्यू है वो तकरीबन $7 बिलियन के करीब है, 6.9, और अभी इन्होंने 1-2 फ्रेंचाइजेज और ऐड करेंगे तो आप उसमें कोई 1.5 बिलियन और ऐड कर लीजिए। तो ये है क्रिकेट का सिनेरियो, ये पैसे का सीन है, और क्यों इंडिया सब कुछ हमारे पे छाया हुआ है। क्या क्या ऑप्शन है पाकिस्तान के पास? अभी आपने बस जो बातें की ना, एक तो बड़ा क्लियर हो गया है, जो ICC है ना वो तो टूथलेस बॉडी। आई रमीज आचार्य ने भी कहा कि फारग हो गया, ICC को छोड़े, उससे कोई मतलब नहीं है। वो वैसे भी लेजिस्लेटिव बॉडी था, लेकिन अभी भी अगर आप देखें जो उनके प्रेसिडेंट आए, ही इज अ न्यूजीलैंडर एंड वो बैकिंग है उनको BCCI की। सो एक चीज़ ये क्लियर हो गई। दूसरा भी आपने जो IPL के आप बोल रहे थे फिगर्स, इसमें जो एक इंटरेस्टिंग आस्पेक्ट है कि ये 6 बिलियन जो डॉलर का बात हो रही थी कि $6 बिलियन के राइट्स जाएंगे जो अगले 2023 से 5 साल के राइट्स होंगे, जो कि इंडियन क्रिकेट से 5 टाइम्स मोर सिर्फ IPL के राइट्स होंगे। सो दैट इज़ द फैक्टर जो अभी आप बोल रहे थे। यस, क्लियरली अब IPL खेलना चाहते हैं लोग, और अनफॉर्चुनेटली FIFA तो वहाँ पे गवर्निंग बॉडी थी, तो वो वर्ल्ड कप करवा लेती है हर 4 साल के बाद, इनको लाले पड़ जाएंगे। लोगों का अब ये प्रायोरिटी बन रही है कि नेशनल टीम्स के बजाय IPL जाके खेलो। एग्जैक्टली, और यही अट्रैक्शन। अभी आपने बोला एवन मॉर्गन IPL के लिए कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा कुछ भी। सो ये प्लेयर्स एसोसिएशन ने प्रेशराइज किया था इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को, और यहाँ तक मैं आपको बता सकता हूँ, जब ECB के चेयरमैन ने बात की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से, तो उन्होंने कहा इट्स बियॉन्ड मी। सो दैट इज़ वेरी क्लियर कि ही शोड हिज हेल्पलेसनेस, जो अभी आपने बोला कि उनके PMO को भी नहीं पता था और किसी को। सो अब पाकिस्तान क्या कर सकता है? अब हकीकत अगर आप देखें, कैन यू इमेजिन कि वो $560 मिलियन सिर्फ इंडिया से IPL की एक सीजन की ब्रॉडकास्ट का कमर्शियल एयर टाइम है टेलीविजन का, तो आप उनको कैसे मैच कर सकते हैं? तो दिस इज़ अ फाइनेंशियल गेम, सो लेट अस नॉट कंसीड कि ये बिग फोर जो है इट इज़ एक्चुअली नॉट ड्यू टू एनी अपार्थाइड और एलिटिज्म, इट इज़ ओनली फाइनेंशियल। पर ये नहीं है कि गोरे काले की गेम नहीं है, गेम नोट है कि है सारी गेम नोट की। किसका? तो राशिद ये बताएं, फिर हमने PSL शुरू किया, क्या करें? PSL को हम बड़ा करें, टीमें ऐड करें? नहीं, किसी और को देखने से पहले हमें अपने आप को देखना पड़ेगा। PSL हो रही है, बड़ी अच्छी चल रही है, तो बीच में KPL कैसे आ गई? KPL में वही प्लेयर खेल रहे हैं जो PSL में खेल रहे हैं, कैसे हो सकता है? और उसको हमारे ही लोग बोल रहे हैं कि उसको हम PSL से बड़ा ब्रांड बनाएंगे। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपका जो भी है, अब आपने ये एक रियलिटी देखी कि IPL फ्रेंचाइज लीग्स अब बन गई हैं,
तो क्या फिर पाकिस्तान को पीएसएल बढ़ाना नहीं चाहिए नुमान? बॉस जो आप बात कर रहे हैं ना, एक तो जो अभी राशिद बात कर रहा था ना, ये एक और भी अलमिया है ना कि जो टेस्ट मैच था, फिफ्थ टेस्ट मैच इंडिया वर्सेज इंग्लैंड, वो उन्होंने कहा जी एक कोविड पॉजिटिव हो गया तो वी आर गोइंग बैक। एंड द ब्यूटी वॉज कि जब उन्होंने मैच खत्म किया, वो रिफ्यूज टू प्ले, तो वो उनके प्राइवेट जेट्स तैयार थे और 6 दिन एग्जैक्ट बनते थे क्वारंटीन के बिफोर द स्टार्ट ऑफ द आईपीएल। सो आईपीएल वॉज प्रेफर्ड ओवर टेस्ट मैच क्रिकेट। ये तो हो गया कि जी आईपीएल जो है वो डॉन है क्रिकेट का, ठीक है। हमने करना, अब आपने करना क्या, ये इशू है मालिक भाई, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, एक तो ये है कि हम लोग बिल्कुल भी प्रैग्मेटिक नहीं रहे। हमने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट भी तबाह कर दी, जैसा राशिद ने कहा हमने पैरेलल कश्मीर प्रीमियर लीग खड़ी कर दी। अगर आप पॉलिटिकल कहते हैं, व्हाई नॉट, कि इतना क्यों घबरा रहे थे पीएसएल में कश्मीर की फ्रेंचाइजी? अगर एक मिनट, फ्रेंचाइजी आते ना पीएसएल, अगर कश्मीर प्रीमियर लीग करनी थी वहां की गवर्नमेंट करती, प्राइवेट लोगों को कैसे दे दी आप लोगों ने? लेकिन अभी जो राशिद बात कर रहे हैं, हमारा जो फाइनेंशियल आउटले है, अब तो हैरान कौन बात है कि आप जो कहते हैं कि आप बाहर के बहुत टॉप प्लेयर्स बुलाते हैं, आप टॉप प्लेयर्स नहीं बुलाते, आप बी प्लस या ए कैटेगरी के प्लेयर्स बुलाते हैं। कभी भी स्टीवन स्मिथ नहीं आया, कभी भी केन विलियमसन नहीं आया, कभी भी इयान मॉर्गन खेलने नहीं आया। सो एक तो आपको कैपिंग खत्म करनी पड़ेगी, लाख डेढ़ लाख डॉलर के प्लेयर्स नहीं है जो आएंगे। अब वो लाख डेढ़, अभी क्या रूल है, अभी यही है ना जी कि 1.5 लाख डॉलर कैटेगरीज बनी हुई है ना, प्लैटिनम है, डायमंड है, आप उससे ज्यादा नहीं दे सकते, कैपिंग है। या तो आपको ये खत्म करना पड़ेगा, ड्राफ्ट सिस्टम है, और इंडियन प्रीमियर लीग की तरह आपको जाना पड़ेगा, बोली लगानी पड़ेगी, ऑक्शन करना पड़ेगा। इंडियन प्रीमियर लीग में कोई कैपिंग नहीं है? नहीं, ऑक्शन है जी। अभी क्रिस मॉरिस की कितना था कैपिंग है? नहीं, क्रिस मॉरिस का कितने मिलियन डॉलर था? 17 करोड़ रुपया एक सीजन का उसका आईपीएल खेलने का 17 करोड़ रुपया ले रहा है क्रिस मॉरिस, जिसको आप जानते नहीं होंगे, साउथ अफ्रीका। सो दिस इज वॉट यू नीड टू डू। जब तक आप अट्रैक्ट नहीं करेंगे, दूसरा एक आप कह रहे हैं पाकिस्तान में पीएसएल का मॉडल चेंज करें, yes. ताकि आप बेहतर टैलेंट आप लेके आए बाहर से, बिकॉज हमारी टीम जिस तरह आप देखा जाए तो स्टार्स कहाँ हैं, सिवाय बाबर आजम के उस इंटरनेशनल लेवल का स्टार कोई है आपके पास? मैं वही कह रहा हूँ ना कि आपके डोमेस्टिक क्रिकेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है नहीं, आप अट्रैक्ट कर नहीं पाते। जब ये लोग खेलते थे, सईद अनवर, आमिर सुहेल, इंजमामुल हक, राशिद लतीफ, शुएब अख्तर, सकलान मुश्ताक, वकार यूनस, वसीम अकरम, ये इंडिविजुअल ब्रांड्स भी थे, तो ये अट्रैक्ट करते थे मीडिया को। यू आर सो मीडिया। तो राशिद, ये बताएं आप कि ये जो अभी स्टांस लिया है रमीज राजा ने, बड़ा हार्श स्टांस लिया है, जिसको आम आदमी को बड़ा पसंद कर रहा है, लेकिन क्या ये प्रैग्मेटिक है, क्या ये प्रैक्टिकल है? बिकॉज उन्होंने सारा बोझ डाल दिया क्रिकेट बोर्ड्स के ऊपर। नजर हमें आ रहा है कि बिहाइंड द सीन सारा जो इंडिया का क्रिकेट बोर्ड है वो बेसिकली कंट्रोल कर रहा है सब कुछ। आईसीसी अगर फारग है, ये बिग फोर है, उन्होंने कहा हम एक एशियन ब्लॉक बनाएंगे, तो एशियन ब्लॉक में तो बांग्लादेश भी इंडिया वाली लाइन लेगा, तो फिर उसमें कौन रहता है? हम होंगे, देखिए इसमें कौन कौन खेलेगा एशिया ब्लॉक में बनाते हैं, साउथ अफ्रीकन्स आएंगे। एक तो रमीज ने जो एक और मिसकंस्ट्रू किया ना, वो कह रहे हैं कि वेस्टर्न ब्लॉक बन गया, नो, इट इज द इंडियन ब्लॉक। सो एशिया में कौन है? जो मैक्सिमम आई बॉल्स है 1.3 बिलियन पॉपुलेशन के, वो इंडिया है। सो जो एक्चुअली पूरा एशिया, दो चीजें बड़ी क्लियर आई है, उन्होंने कहा कि जी ये सारा जो कंट्रोल आप कर रहा है, ये जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है बेसिकली उसी का ब्लॉक है। ये जो प्लेयर्स थे, ये तमाम जो इंग्लैंड वाले भी, ये तमाम वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने आईपीएल भी खेलना था अभी दुबई में, हमारी डेट्स भी क्लैश कर रही थी, वो साथ ही उनको फटीग आ गई, बहाने बन गए, उनकी गवर्नमेंट भी, एवरीबडीज क्रिटिसाइजिंग देम, लेकिन नोट की बड़ी पावर है, वो सारों ने आराम से इसको किल कर दिया। अब बात यह बन रही है कि जो रमीज राजा का भी स्टांस है, राशिद का ख्याल ये है कि देखें अभी इन लोगों से हमने बहुत मैचेस खेले हैं, और अगर आइंदा भी ये मैचेस में आए तो हम इनके साथ कंटिन्यू हमें करना चाहिए, और इंडिया को डल्यूट हो जाएगा इंडिया का इन्फ्लुएंस अगर हम इन लोगों के साथ क्रिकेट खेलते रहे। मैं आपके भी आज पढ़ रहा था आपका स्क्रिप्ट आपके यूट्यूब चैनल का, उसमें भी यू हैव टेकन अ वेरी हार्ड लाइन। क्या ऑप्शन है पाकिस्तान के पास इस पर, क्या करे पाकिस्तान? देखिए, इंडिया अगर आप पे सरप्रस्ती कर रहा है या अगर आप पे वो कुमरानी कर रहा है, तो किसके बलबोते पे कर रहा है? पैसे पे कर रहा है। मैंने कल भी आपसे रात से बड़ी लंबी डिस्कशन की थी, घर तगड़ा करें, भूखे नंगों की इज्जत नहीं होती मालिक भाई। जब तक आप अपना रेवेन्यू स्ट्रीम अपना नहीं बढ़ाएंगे, रेवेन्यू जनरेशन के ऊपर नहीं आएंगे, आप एसेट बिल्डिंग नहीं करोगे, नहीं चार पीएसएल टीमें नहीं लाओगे, जब तक आप प्रॉपर्टी में नहीं आओगे, स्टॉक्स में नहीं आओगे, नई एमजी गाड़ी आप खुद मंगाओ, क्यों नहीं मंगाते हो? जब तक आप रेवेन्यू जनरेशन में नहीं आओगे, आपके पास 10 बिलियन से लेके 15 बिलियन तक पैसा पड़ा हुआ है, कौन लोग आपकी बात सुनेंगे? आप पैसों पे रिलाय करते हो कि आईसीसी पैसा देगी तो आपकी दिहाड़ चलती है। दिहाड़ नहीं चलानी है आपने, अब आपने पॉलिसी मेकिंग में जाना। वो कैसे जाएंगे आप? वो आप इसलिए जाएंगे कि आप अपनी रेवेन्यू स्ट्रीम बढ़ाएं। आपने अगर हुक्मरानी करनी है दुनिया में, तो इंडिया को अगर नगेट करना है तो अपना घर तगड़ा करें। जब तक पीसीबी पैसा नहीं कमा लेता
और मुझे ये भी इतला मिली है कि पीसीबी ने शायद पैसे भी मांगे हैं कि जी हमें फंडिंग कर दें। आगे से जवाब आया कि हमने आपको लाया है फंडिंग क्रिएट करने के लिए, जो 10-15 बिलियन जो रखा हुआ है उसे काम चलाएं। मैं कह रहा हूं कि जब आप 15 बिलियन से 115 बिलियन पे चले जाएंगे आपको दुनिया की जरूरत नहीं है। यही अगर 200 मिलियन डॉलर की सीरीज होती तो इंग्लैंड अफगानिस्तान में जा खेल लेता आपके साथ। बात यह कि आपके पास पैसा को नहीं है, आप आईसीसी की तरफ देखते रहते हैं, आप आईसीसी की तरफ देखते रहते हैं कि यार हमें वो पैसा देगा वर्ल्ड कप का, हम उसे घर चलाएंगे। वो घर तो चल जाएगा लेकिन पॉलिसी नहीं चलेगी आपकी। ये जो ब्लंडर किया है वेस्टर्न ब्लॉक ने आपके साथ, ये आपको डिसीव कर गए हैं। वो डिसीव इसलिए कर गए हैं कि आपको वो पूछता नहीं है। पाकिस्तान की रेलेवेंस तो है दुनिया क्रिकेट में लेकिन पैसा ना होने की वजह से आपको वो पूछ